मेरी लोरी है। दो मिनट के अंदर मेकअप चाहिए मुझे, 10 मिनट में ऐसा मेकअप कर लूंगी ना। मैं 2 मिनट कह रही हूँ, 10 मिनट कह रही है। फटाफट फटाफट मेकअप कर रही हूँ, इसे पसंद आए चाहे इसे पसंद आए, मैं अपनी मर्जी कर रही हूँ, तुम लड़ते रहो। गाइस यहाँ पर आ गए चीकू के सारे पटाखे, क्योंकि आतिशबाजी करेंगे तभी तो थोड़ा मजा आएगा। सब बम फोड़ के जा चुके, हम लेट हो गए। हैप्पी दिवाली। टेंशन क्यों ले रहे हो, हम ऐसे आपको चमका देंगे ना, आपको चमका देंगे। क्या चीखी जाती है आज? दो दो खुशियां हैं आज, मुझे माँ मिली है, दिवाली भी है। अरे मैं डरती नहीं हूँ, मैं तेरे बस की नहीं है, तेरे मुझे हो गया फुस। तो गाइस बम ने इतना बड़ा धोखा दिया है ना, बम ऐसे ऐसे फूटा था यही। चीकू द रॉकस्टार। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है दिवाली, तो मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। पापा पटाखे जलाएंगे पूरे सर। हैप्पी दिवाली तुवा, हैप्पी दिवाली बेटी, हैप्पी दिवाली के तो पापा को। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली इनकी तरफ से, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली। बस और चलो 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 कोई। तो गाइस आज मुझे जाना है अम्मा जी के यहाँ पे, जो इनकी दादी जी हैं, आज वो मुझे एक तरह से गोद लेने की रस्म होती है उन्हीं के अंदर, वो करने वाले हैं। और आज का शुभ मुहूर्त है 6 बजे का, है भाई? हाँ जी, उनका फोन आया था मुझे सुबह सुबह, तो मैंने विश करा उनको, वो कह रही अपनी सास के घर आ जाओ। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, तो 6 बजे के बाद चलते हैं रेडियो के। तो जब बच्चे पैदा नहीं हुए थे ना, तो गोलू कहती की मैं कैसे संभालूंगी, मैं कैसे नहलाऊंगी। मैंने बोला टाइम के साथ सब सीख जाएगी। आप ही लोरी सुना रही, कौन सी लोरी थी? मेरी लोरी है। क्या था ये? जो मुझे सुन लिया। अब एक टाइम पे तीनों बच्चे संभालते हैं। अच्छा मैंने एक चीज नोट करी है, आप इनके सामने हजारों टॉयज रख दो और वही रिमोट रख दो, फोन रख दो, करछी रख दो, ये वो उठाते हैं क्यों पता नहीं। ऐसा क्यों? ऐसे चीकू भी करता था मतलब बचपन से ही चीकू ना कटोरी वटोरी ग्लास ग्लास से खेलता था, टॉय से पेचकस से खेलता था। उसकी एक बार की बात है, उसकी जेब हमने चेक करी, पेचकस चम्मच ये वो पता नहीं क्या क्या सामान था ना, मेरे को याद भी नहीं है। अब देखो ये रिमोट खा रहे हैं। तो गाइस तीनों बच्चों को ना हम लोगों ने सैलड खिला दिया, और तीनों बच्चों को अभी ना कार्टून देखने के लिए छोड़ दिया। और घर का इतना सारा काम फैला हुआ है ना, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं काम करने वाला, तो बस अभी मैं और पाय लगते हैं काम पे। तो यहाँ पे पाय ने पी लिया अपना प्रोटीन, और साथ ही साथ मैंने, अब मैं काम कर रही हूँ। जो नमक हम लेके आए थे उस दिन, हाँ उसको ना उन्होंने बोला था गर्म पानी में वो करके फिर उसको रखना, जहाँ रखना। पाल एक तो हम घर पे रखेंगे, दूसरा नमक, दूसरा नमक नीचे स्टूडियो में। अच्छा स्टूडियो भी तो अपना ही, ठीक है। पाल ऐसी एल कैंडल कितनी अच्छी है ना, कितनी पुरानी भी है और कितनी पुरानी, कितनी चलती है ये। तो गाइस हमारी जो रंगोली है ना, हम उसको बिल्कुल भी हटा नहीं रहे, क्योंकि आज छोटी दीवार, आज बड़ी दिवाली है। तो ये जो दिए है ना, पाल के गोलू दिए जब भी यूज हो जाते हैं ना, दोबारा यूज नहीं करते, तो सारे दिए मैं उठा के रख देती हूँ। और साथ ही साथ ना रंगोली को पाल हम शाम को क्लीन कर लेंगे। और नहीं नहीं, रंगोली को अब भी करना पड़ेगा गोलू, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है पाल। और साथ ही साथ अरमान जी गए हैं दिवाली देने, जो बाकी हमारे रिलेटिव्स हमारे फ्रेंड्स रह गए थे उनको। क्या हो गया? दिवाली है ना, क्या हो गया? तो यहाँ पे जो मैं उस दिन सॉल्ट लेके आई थी ना घर में, ये अच्छा होता रखने के लिए, तो मेरे को उन्होंने बोला था कि इसको ना पानी में, गर्म पानी में अच्छे से उबाल के सुखा के फिर रखना जहाँ आपको रखना प्लेट के अंदर। तो ये अभी अभी हमें दिया धीरज भैया ने, मिल्टन के, ये स्टील वाले कप है ना, सही है, इसमें चाय भी सही रहती है। तो क्या करूँ, पानी यहाँ लगाऊँ? हाँ ये कटोरी एक में एक डाल दे, हाँ और फिर वहाँ एक काम कर बोलू, हाँ मैं ओली रोल बना रही हूँ, तो एक में फ्रूट भर ला सारे, और पांच तरीके के, हाँ एक में लड्डू, एक में लड्डू एक में फ्रूट, ठीक है। और ये भी धो दूँ उसके बाद, हाँ। ये धो के रख दूँ, इसमें फ्रूट डालू किसमें लड्डू, वो तो अपनी मर्जी से कर ले, इतना तो कर ले। नहीं तू बता ना, जैसे ये इसमें इसमें फ्रूट डाल देते, इसमें लड्डू डाल देती हूँ, वो भी तो है स्टील, इसमें लड्डू डालू इसमें फ्रूट। ये लड़की है जो शोइन कहाँ ध्यान है, अरे वाह ध्यान है। हैप्पी दिवाली भैया, हैप्पी दिवाली भैया, कैसे हो? ये क्या है? ये टूबा के लिए, टूबा के लिए, टूबा के लिए गिफ्ट है। ओह माय गॉड, टूबा के लिए गिफ्ट, अरे बाबा, अरे बाबा, इतना सुंदर, दिखाऊं सबको? नहीं दिखाऊं ना, नहीं दिखाऊंगी कि टूबा के लिए का गिफ्ट है, टूबा के लिए का गिफ्ट है। कह रही दे दे मम्मा। नहीं मम्मा नहीं दे रही ये टूबा को, अभी नहीं देंगे हम टूबा की, इसकी पूजा करेंगे। और चीकू की मैम ने टूबा के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट दिया है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा चीकू के व्लॉग में। गाइस लो आप ले लो। थैंक यू भैया, बैठो ना भैया। नहीं बसंत, तो यहाँ पर ना मैंने नई वाली जो प्लेट है वो निकाल ली अभी कुछ टाइम पहले। मैं और पाल ना इसी प्लेट लेके आए थे, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट, तो इसके अंदर मैंने प्लेट सजा दी। और इधर मैंने बच्चों का जो पानी है ना बॉइल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि क्या है कि पानी बिल्कुल खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा अब ये हो गया बच्चों का पानी बॉइल, अब इसको ढक के रख देती हूं, थोड़ी देर में ठंडा होगा, तो बच्चों की जो मिल्टन की बॉटल है ना उसमें डाल दूंगी। आज तो बहुत अच्छे से सजाया है इसने, वेरी गुड वेरी गुड गोलू। आज तो मतलब आज तो मतलब सही तो बोल रही हूँ, ये बोलो हमेशा की तरह
मेरा वाओ गुलू वाओ। तो कोई वाओ नहीं है, जरा मत कर। ठीक है, इसमें क्या रखे बाउल में? इस बाउल में ये नए वाले बाउल में अब मैं देखती हूँ कुछ गोलू खा पाए। ये पर थाली धो रहा पूजा वाली। ठीक है गोलू, हमें ये मंदिर से जाने के बाद हमें जाना है, रेडी होना हमें और हमें रंगोली बनानी है। तुम्हें रंगोली बनानी है, हमें अभी बच्चे सो रहे हैं, काम करते दियो का काम करना है। पहले धनतेरस पे 14 दिए थे, फिर 21, आज मैं सोच रही हूँ 51 कर देते। जितने है ना सारे कर दे, 51 तो हो ही जाएंगे, उससे ज्यादा ही होंगे। ऊपर भी लगेंगे, छत पे भी लगेंगे, छत पे भी लगा देना। तुम लोग ये बाद में लक्ष्य, तुम ये सारा काम कर लेना दोनों, हम लोग उधर निकल जाएंगे, वहाँ का काम भी जरूरी है वो। ठीक है ठीक। तो गोलू यहाँ पे जो है पूजा की थाली अभी रेडी करके रख रही है, क्योंकि वहां से आने के बाद ना हम लोगों को आते ही पूजा करना है। मैंने इसमें चावल भी डाल दिए, तो सारा जो काम है हम लोग ऑलरेडी करके जा रहे हैं। गोलू ये करने के बाद फटाफट रेडी होते हैं गोलू, क्योंकि चीकू के पापा ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, मैं सोच रही हूँ बच्चों को ना लेके जाए यार। हाँ तो सही है ना, पाए बहुत ज्यादा हो जाएगा, रश हो जाएगा, बच्चे इरिटेट हो जाएंगे, अभी बच्चे सो रहे हैं ना। बच्चों को निक्की और लक्ष्य घर पे संभाल लेंगे। तो यहाँ पे चार मैंने कलश रखे हैं, चारों कलश में मैंने अनाज रखा है, क्योंकि देखो लक्ष्मी जी की पूजा होती है हमारे, नमक की होती है, धनिये की होती है, झाड़ू की होती है, तो अनाज की भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अनाज ना हो तो हम लोग भी कैसे जिंदा रहें। तो मैंने चारों कलश में जो है अनाज डलवा दिया। इसको गोलू ऐसे करा था, ये तुम डाला ना? नहीं मैंने नहीं डाला, तो मैं तो लक्ष्य को ला कर दिया था, मैंने ये भी ला कर दिया लंबा वाला स्टैंड और अंदर से ये भी निकाला। तो ना ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो ना बाकी वो है ना बार बार वो हो जाएगी, शांत हो जाएगी, शांत नहीं करनी ना। नहीं पूरी रात जलती है। यहाँ पे घी वाली जोत कर दी, ये सारा सेटअप हो गया, बस तेल के दिए रह गए, वो लक्ष्य कर देगी, अब हम रेडी हो जाते हैं। और ये वाला भी घी में तेल में करना, सॉरी, और दिए जो है हम आके लगाएंगे। तो भैया भाभी आए हैं दिवाली देने, हैप्पी दिवाली भाभी, हैप्पी दिवाली भैया, हैप्पी दिवाली भाभी, सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू भैया, आपकी ये दिवाली है ना, इस बार अकेले आए हो, अगली बार एक और लेके आना साथ में। आपके मुंह में घी शक्कर, घी शक्कर नहीं चाहिए मुझे, जो मांगोगे वो दूंगा। ठीक है, वो मांगूंगी मैं। पाए लेगी भैया महंगा तोहफा, देखो मिठाई, मैं महंगा दूंगा मिठाई, नहीं दूंगा समझ जाओ, महंगा तोहफा। मैं एक रील, एक आपकी तरफ से, एक भाभी की तरफ से, दोनों की तरफ से। एक काम करना, एक डायमंड के रिंग साथ दे देना, एक डायमंड के रिंग साथ देना, तो दोनों पहनने दो देनी पड़ेगी ना। अच्छा हाँ ये भी है। नहीं इसका क्या मतलब है, एक जोड़ी आप दे देना, एक जोड़ी आप दे देना, एक एक से नहीं रहेंगे। मैंने बोला बस एक ही था, एक ही था। चल फिर चल नाक छिदवा देगी, नाक नहीं, भाभी आपके लिए बेडशीट है, ठीक है, और ये कम्बल, एक कम्बल में सो जाना, खा पी के धंधा करोगे, खा पी के बच्चा पैदा करोगे ना। थैंक यू सो मच। वही कौन आए? हेलो जैद की तरफ से हैप्पी दिवाली, इसकी पहली दिवाली है, हैप्पी दिवाली। अभी सोकर उठा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मेकअप निकाल रही हूँ, दो मिनट के अंदर मेकअप चाहिए मुझे। अरे डिटेल बनानी चाहिए, 10 मिनट में ऐसा मेकअप कर दूंगी ना। मैं 2 मिनट कह रही हूँ, तू 10 मिनट कह रही है। 2 मिनट भी कुछ होता ही नहीं आजकल, जमाना चला गया 2 मिनट का। मैं 2 मिनट के अंदर करके दिखाऊं। चल योर टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत अच्छा मेकअप, मेरा भी कर दे, तेरा नहीं कर सकती। तो गाइस फटाफट 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 मेकअप कर रही हूँ बस, कि हमें निकलना है क्योंकि चीकू के पापा भी आने वाले हैं, और पता है आज बहुत सारा काम है, बच्चों की नैनी नहीं है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ना बच्चों का, बच्चे होते हैं ना तो ज्यादा प्रॉब्लम लगती है, पहले ना टाइम नहीं होता। अरे बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि ना, हमें ब्लॉग भी लेना है, हमें वहाँ पे भी जाना है, दिवाली की तैयारी करनी है, घर पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, बस मैं लक्ष्य पायल और निकी है। तो गाइस मैंने तो फटाफट जो है आई शेडो लगा लिया, जैसा मर्जी लगा, और मैं ग्लिटर लगा रही हूँ फटाफट, क्योंकि मेरे जो कपड़े है ना मेरे पिंक कलर का है, और गोलू का है लाइट ऑरेंज, पता नहीं क्या कलर है इस कलर को, पीच कलर, पीच कलर है, पीच कलर है गोलू का। आई एम ऑलवेज रॉन्ग, राइट, अभी तो मैंने राइट बोला, तू रॉन्ग कह रही है। तू कह रही आई एम ऑलवेज, तूने आगे भी बोला ही नहीं क्या है, देखो बोलना चाहिए था, नहीं बात तो कि मैं राइट हूं। तुझे कोई पापा ने इतनी प्यारी आईब्रो बनाई ना गाइस, देखो मस्त आईब्रो। तो गाइस मेरा मेकअप हो चुका है, और ये है मेरी आज की दिवाली आउटफिट, और इसके बाद मैं सूट पहनूंगी पूजा के टाइम पे। अभी मैंने पहना है स्कर्ट और चोली, और यहाँ पे गोलू का जो मेकअप है वो अभी तक हुआ नहीं है। गोलू कितना टाइम, बस मेरे को 5 मिनट लगे लिपस्टिक और मस्कारा के, मेरा मेकअप इस चीनों में बार बार ना कभी इधर कभी उधर होती, बस 5 मिनट लिपस्टिक और मस्कारा लगे। वैसे ये वाली जो आउटफिट है मैं नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि ये मुझे हो रही है बहुत ज्यादा लूज। जैस्मिन ने डिजाइन तो बहुत अच्छा बनाया है, पर जो इसका मेजरमेंट है वो मेरा पुराना वाला बना दिया, तो मुझे नहीं आ रहा है, तो ये मैं वापस भेजूंगी और इसको जो है अपने मेजरमेंट का बनवा के फिर मंगवाऊंगी। तो अभी जो है ऑलरेडी हमारे पास और भी चीजें पड़ी है पहनने के लिए, जो हमने नहीं पहनी है, तो वो निकाल लेती हूँ, वो पहनती हूँ। बयान बोल रहा तो मुझे चेंज तो करना ही पड़ेगा, बिना यान की मर्जी के मैं पहन नहीं सकती। वो नाराज हो गया मुझसे तो मेरे लिए आफत हो जाएगी। हाँ। मम्मा यही पहनो अच्छा लग रहा है। अभी तो दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाएगी, भाइयों में लड़ाई मैं बिल्कुल नहीं चाहती। फिर वो अभी पीछे से फिर बोल रहे हैं, अपनी मर्जी का पहनूंगी, इसे पसंद आए चाहे इसे पसंद आए, मैं अपनी मर्जी का पहनूंगी, तुम लड़ते रहो जितना मर्जी लड़ते रहो। तो गाइस पूरी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, यहाँ पे पूरी पूजा वूजा का सामान रेडी हो गया सब कुछ, और बच्चे थोड़े से परेशान कर रहे रो के। हाँ जी हाँ, बता नहीं आज क्यों कर रहे हैं, आज इनको लग रहा है ना कोई संभालने वाला नहीं है, तो आज ज्यादा कर रहे। ये लो ये लो ले लो ले लो ले लो, इसकी
नजर होते हैं, कोई भी चीज हो मुझे पकड़ ले। तो गाइस यहाँ पर हमारी तूबा रानी रेडी हो गई है, बहुत सारे रो रही थी, अभी चुंदर काकी लग रही है बेटी। चुंदर काका लग रहे हैं दोनों, देखो प्रिंसेस वाली है, नीचे से लंबी, इसकी दादी ने दी है फ्रॉक। तो ये वाली जो ड्रेस है ना मेरी माँ ने दी है, यानी इसकी दादी ने। आज हमारा क्या हुआ था, आज आपकी गोद, आपको गोद लिया मम्मी ने, तो आप इनके वैसे तो बेटे हो बट आज से आप उनके ऑफिशियली बेटे बन गए हो। हाँ, तो जिसने अब तक ये ब्लॉग नहीं देख रहा फैमिली फिटनेस में देख लेना, 2 बजे आएगा, ठीक है। दादा बाबू रेडी हो गए, फ्री राल निकल रही, कोई बात नहीं। बस मंदिर में सारी पूजा की तैयारी हो गई है, एक बार दीपक जला दे पहले, उसके बाद आरती करते हैं। सारे लोग आ गए चीकू, तेरा बाद में काम है, सारी कैंडल जो है ना बाहर तुझे लगानी है। हाँ बाद का काम है, अभी का नहीं है। तो गाइस आज की जो दिवाली है पूरी जिंदगी मुझे याद रहेगी, आज के दिन मुझे माँ मिली है, बहुत सारी चीजें हुई वहाँ पे। जिसने अब तक ब्लॉग नहीं देखा वो फैमिली फिटनेस पे 2 बजे वाला ब्लॉग बिल्कुल भी मिस ना करें, उसमें सारी रस्में निभाई गई है। और गोलू और पायल थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, पायल ही बधाई क्यों हो गई थी, पायल मैं इसलिए हो गई थी कुटू के ना 11 साल, आज मेरी शादी को 12 साल हो गए, और 12 साल में पहली बार जो है एक सास का जो वो होता है ना प्यार होता है वो मुझे पहली बार मिला है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और काफी ज्यादा रोई भी थी मैं वहाँ पे, तो मेरी जेठानियों ने और माँ ने मुझे चुप भी कराया। तो गाइस यहाँ पर जैद बैठ गया है पूजा के लिए, और आज ये पूरे 7.5 महीने का हो गया है और बैठने लग गया है भाई। हाँ भाई लड़के, हेलो नमस्ते तो कर दो, नमस्ते कर दो, नमस्ते, हैप्पी दिवाली एवरीवन मेरी तरफ से। मैंने और भाई ने शेम कपे पहनी है, आज सारे बच्चे आज केकल के चीकू पकड़ो, भाई को पकड़ो, ये लगा वहाँ पे लगा। तो ये है तूबा, तूबा बहुत सुंदर लग रही है, तूबा ने फ्लेरी वाली ड्रेस पहनी, एकदम बाबी डॉल लग रही है। अच्छा बाबी डॉल को बैठना नहीं है, खड़े होकर ड्रेस दिखानी है, पीछे से भी देख लो तेल वाली है, ठीक है। चलो भाई को भी ले लेती हूँ, अयान को देना भैया पायल लड्डू वाले। अच्छा दिए जला दिए, मैं बोलने लगी थी बड़े सुंदर लग रहे हैं, चीकू ने जलाए, ऐसे लग रहा है सच में लड्डू रखा हुआ है। आज हम जतिन भैया घर पे आए ना दिवाली देने के लिए, तब भी चीकू ने उनको लड्डू बोला कि ताऊ जी लड्डू खा लो, और भैया खाने लग गए, एकदम डिफरेंट। ये वाला लड्डू नहीं है, अलग से मैं पैकेट लाई थी ना, वो तो अलग रखे हुए हैं। तो गाइस पिछली दिवाली पे ना बच्चे नहीं थे, इस दिवाली पे हमारा जो घर परिवार ना भरा पूरा हो गया है, और भगवान ने, लक्ष्मी माता ने, गणपति जी ने हमारी, सच में दिल से सुनिए, लास्ट टाइम जब गणपति पापा घर पे आए थे ना उनके कान में मैंने यही मांगा था कि हमारी गोद भर जाए, और देखो पापा जी ने गोद भर दी थी। इसके अलावा 3 बच्चे और है जो इस पूजा में आज हमारे साथ बैठेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन सारे दिए जल गए हैं, और तूबा सोने की तैयारी कर रही थी, अभी भी रो रही थी, इसको चुप करवा रहा सूरज बहुत देर से। और यहाँ पर हमारे जो अयान भैया है वो कह रहे हैं फटाफट पूजा करो मुझे नींद आ रही है, सबसे ज्यादा जल्दी चीकू को पूजा करो मुझे पटाखे बजाने, ये हो रहा है पूजा के बाद जल्दी से कर दे। चलो जोत पत्ती करो आप, जो फ्री है तू तो बैठ जा, मैं इनको लेकर खड़ी हूँ, तू तो बैठ जा इनके साथ, मैं सब बोल लेके आई ना, प्लग चीकू पटक लग करके बैठ जा, हां जी चीकू सर पे रखो, ले भाइयों के रख, गमे को तो बहन की भी रखो, बहन की भी रखो, ये ले, और देख ले कौन है, लो धीरज को दे दे, धीरज भैया जी को दे दे, इसको खेल रहा है इससे, क्या किससे, तो थोड़ा सा शोर आ रहा होगा पीछे से क्योंकि बच्चे है ना अभी बहुत ज्यादा ना, शायद मेरे को लगता है उनको सोना है, बट ठीक है सारे बच्चे जाग रहे हैं इस टाइम पे, इस चीज की खुशी भी है कि आरती के टाइम बच्चे जाग रहे हैं, अगर सो रहे होते तो गोदी में लेके आरती करते। चलो हाँ तो अभी गणपति जी की आरती हो गई है, अभी करेंगे लक्ष्मी जी का। हाँ जी आप करोगे आरती, बोलो जल्दी से आरती करूंगा मैं। ओम जय लक्ष्मी माता। बस अभी हम जा रहे हैं, हमारी अच्छे से पूजा हो गई, तो अभी जा रहे हैं पटाखे बजाने के लिए नीचे, पायल आ जा, पायल आगे तो चलते हैं। और पटाखे बजाने के बाद ना यहाँ पर सारे दिए भर चुके हैं तेल से, और अभी सारे दिए और कैंडल्स हम जलाएंगे अपनी छत पे, अपने घर के बाहर अच्छे से डेकोरेशन करेंगे। गाइस यहाँ पर आ गए चीकू के सारे पटाखे, और हम जा रहे हैं नीचे सोसाइटी में। तो गाइस पीछे बहुत ज्यादा गंद मचा हुआ है, मैं सोच रहा था पहले ऊपर बजा लूं, फिर पायल ने बोला ऊपर सफाई करनी पड़ेगी, जब सोसाइटी में फैसिलिटीज है तो यहीं पे जलाएंगे हम पटाखे, ठीक हो जी। हाँ जी जला दिया, अब तो रेडी हूँ मैं तो यहाँ पे रख दिया भैया हमने पहला पटाखा, गोलू और पायल की वेट कर रहे हैं, और इसका देखते रिएक्शन क्या रहता है, आवाज कैसी होती है, और ये कितनी ऊपर जाके फटता है। तो मैं सोच रहा हूँ ड्रोन ले, ड्रोन से ना ऊपर के टेक लेंगे इसके, ड्रोन से ही पता चलेगा भाई साहब कितनी ऊपर जाएगा ये, कर दे अपने फ्लैट तक तो पहुंच जाएगा 13 तक। तो गाइस पूजा के बाद आ गए हम, थोड़ी आतिशबाजी करने, क्योंकि आतिशबाजी करेंगे तभी तो थोड़ा
मजा आएगा। देना नीचे कितना है। ऑलरेडी यहाँ पे सब लोग आतिशबाजी करके चले गए, हम सबसे ज्यादा लेट। अभी फाइल ने यही बात बोली कि गोलू लगते सब बम फोड़ के जा चुके, हम लेट हो गए। मैं क्या, कोई बात नहीं, लेट आए, लेट आए लतीफ आए। गोलू को पहला पटाखा गोलू जला, रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक हो मम्मी, चला लिया। ठीक है मम्मा, यही चलाऊं सिर्फ ना। कल जलाएगी, कल नहीं, अब इसे ना माचिस से उठती नहीं, कल 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 जलाएगी। माचिस उठा लीजिए सिर्फ अभी। गोलू भाग गया। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। पटाखे ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहे, तो गाइस हमने डिसीजन लिया कि हम ना हमारी छत पे जाके बजाएंगे, क्योंकि ना यहाँ पे ना आसपास का स्पेस कम है और मुझे लग रहा है किसी के घर पर ना चला जाए, इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर चलते हैं। सेफ्टी देखो, कभी अभी तक गया नहीं है, बट फिर भी सेफर साइड पे हम जाएंगे। मेरे छत पे कोई दिक्कत नहीं, मैं कल सफाई करवा लूंगा। कोई नहीं, हम कर देंगे। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, हम ऐसे आपको चमका देंगे ना। आपको चमका देंगे क्या, फिक्र आती है। तो सारे पटाखे कर लिए हमने पैकअप और जा रहे हैं अपनी टेरेस पे। हम लेकर तो बड़े वो आए थे, कितने सारे हैं भाई। आज दो दो खुशियां हैं, आज मुझे माँ मिली है, दिवाली भी है, हमारे तीनों बच्चों की दिवाली भी है, और क्या, पहली दिवाली और हमें सास मिली। तो फाइनली गाइस हम आ गए छत पे, और देखो इतने धमाके हो रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, पूरा शहर चमक रहा है, पूरा शहर चमक रहा है। इधर भी देखो, उधर भी देखो, पूरा चमक रहा है, पूरा शहर जगमगा। तो यहाँ पर भैया सूरज भाई रॉकेट जला रहे हैं। सूरज भैया, अपनी बोतल में रॉकेट, क्या बात है, चले चल मेरे साथी, चल मेरे हाथी, मैं हाथी हूँ। चलो चलो माची, चलो भाई, पिछला बॉम्ब गोलू ने फोड़ा था, इस वाला बॉम्ब मैं। ठीक है, एक साइड से फोड़ना, दूसरी साइड से, दोनों साइड से, एक ही साइड से हट जा। ठीक है, चल चल, अरे मैं डरती नहीं हूँ, फोड़। मैं यही खड़ी रही हूँ, मैं यही खड़ी हूँ यही खड़ी हूँ मैं यही खड़ी हूँ मैंने तेरे बस की नहीं, दे दे मुझे, ले तू चला। आवाज कितनी बड़ी आ रही है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, इतना प्यारा है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ जो आ रही, देखो अब ये क्यों, क्या नीचे आ गया, वो खत्म हो गया, वो खत्म। रुक जा, ऐसा मत जाना कोई भी। गाइस एक ना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, ड्रोन उड़ा रहा हूँ, ड्रोन को रखूंगा ऊपर, जो यहाँ से शॉट जाएगा ना ऊपर से टेक लेना चाहता हूँ, देखता हूँ नीचे का रिएक्शन क्या रहता है। ठीक है, तो गाइस सच में ये वाली दिवाली ना सच में बहुत ज्यादा खुशियाँ आई है हमारी, और भगवान हमारी खुशियाँ ऐसे बनाए रखे, और जितने व्यूअर्स हमें देखते हैं, जितने हमारे चाहने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके घरों में भी जो भी खुशियाँ बरकरार रहे, सालों साल आप खुश रहें, और आपकी हर एक दिवाली बहुत सारी खुशियाँ लाए। तो ये लिख रहा है चेक कंप्लीट, चेहरा दिखा रहा है एक एक, उसमें वो चल ही रहा है। करें शुरू, अभी मैं सोचा और ऊपर चलूं थोड़ा, और ऊपर, इससे ऊपर क्या लेके जाओगे, इस दिख रहा है आपको, इससे ऊपर तो एक ही चीज आती है, एरोप्लेन। चलो चीकू चला, चीकू चलो, राजू हाँ चलो। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, अब आपको सारे केक जो है वो ड्रोन के मिलेंगे। हाँ जी, ये का है, कुछ भी नहीं आ रहा इसमें तो। अरे ये ऊपर कैसे जा रहा, इसमें तो कुछ आ ही गया, ये पटाखा ऊपर कैसे जा रहा, दूसरा बड़े वाला रख के, बड़े वाला जा, पहले इसको तो फटने दो। अरे फाइल मैं समझ गई, ये ऊपर आसमान पे जाके इतना पटाखा दिख रहा है। अच्छा, अरे मैं भी समझ गई फाइल, ये आसमान में जाके ऐसे ये सब नहीं हो रहा, बस यहाँ यहाँ से जा रहा है, बस क्या हो गया, फुस हो गया, फुस खतरनाक था, इतना बड़ा धोखा दिया है ना, जितना धोखा किसी ने दिया, बम ऐसे फूट रहा था, यही फूट रहा था, ऊपर गया ही नहीं। तो एक टेक और लेते हैं, देखते हैं ये वाला बम जलते नहीं जलते, मुझे लग रहा है ये वाला जाएगा ऊपर। चलो चलो, कैमरा ऑन हो गया, चीकू बम जला रहा है। दिमाग है यार, क्या दिमाग है,
तो गाइज यहाँ पे चल रही है आतिशबाजी और हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि हमें जलाने दिए दिवाली के। बस दो पटाखे। चलो ठीक है ठीक है। ये वाला बड़ा खतरनाक था। ये चटर चटर क्यों कर रहे हैं? चटर चटर। अच्छा यहाँ पे गाइज आप जब ब्लॉग देखोगे ना, मैंने ड्रोन ले रखा ऊपर, ऊपर से जो रिएक्शन आ रहा है ना पटाखों का, आज तक मैं गाइस कभी किसी ने ना पटाखों का ड्रोन नहीं चलाया, इन्होंने चलाया है। चलो एक बहुत ही जबरदस्त अभी जो है बम फटने वाला है, गोलू जला के आती हूं। गाइस यहां पे चीकू हमसे जिद कर रहा है कि मैं जलाऊंगा मैं जलाऊंगा, गोलू कह रही मैं जलाऊंगी, मैं कह रही मैं जलाऊंगी। देखते हैं किसके हाथ में होता है इस बॉम्ब का आविष्कार। मैं आपको बता देती हूँ, माँ होती है ना, माँ बच्चे के लिए कुछ भी कर देती है। तो पायल ने मेरे लिए छोड़ा, मैंने छोड़ा चीकू के लिए, तो कौन चलाएगा? चीकू। तो पापा रॉकस्टार, चीकू द रॉकस्टार। हम तीनों चला सकते हैं, बताओ कैसे? चलो चलो चलो। पापा ने हरी झंडी दे दी, चलाओ चलाओ जल्दी। चलो 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 भाई। ओ उस साइड से चलाओ, उस साइड से चलाओ। मैं तुझे पकड़ लूंगा। पकड़ पकड़। अभी आ गई आ गई। बॉम्ब है। गाइस एक्सपेरिमेंट देखो, जबरदस्त पूरा। मैं ये कहना चाहती हूँ दर्शकों को ये व्लॉग देख के बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, ये मैं जानती हूँ। और बस आप लोग ऐसे ही हमेशा हमारी तरह दिवाली मनाते रहे, गाते रहे, मजा आ गया इस बार ना, बहुत अच्छा। मतलब पहली बार इतना यूनिक आइडिया था मैंने ड्रॉप के साथ टेक करना। एक बात बोलूं, ड्रोन मेरे हिसाब से हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई बहन के लिए होगा, होगा उनके पास। पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल ना इस यूट्यूबर ने किया है ड्रोन का। ये देख देखो ना, मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ, थोड़ा नीचे लाओ। तो गाइस दिवाली गिफ्ट आए हैं और देखो जब तक खोले ना तब तक औरतों को बेचैनी रहती है कि क्या है गिफ्ट में क्या है। तो बिना देरी किए मैं खोल लेती हूँ। गिफ्ट हमारे देख के गए हैं भैया भाभी और खोल के दिखाती हूँ। बहुत बड़ा सा लग रहा है गुडू। मैं बिना खोले बता सकता हूँ इसमें क्या हो सकता है। डिनर सेट है, कुछ है, राम जी का कुछ है। चक्कू देना चक्कू, राम जी आए हैं। राम जी पक्का पक्का 1001% 1000 या फिर फोटो? नहीं डिनर सेट नहीं है, राम जी है 1001%। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी भी है। वाह यार वाह। गोलू खोलियो, बिल्कुल प्यार से खोलूंगी। निकी तू या छोटे भगवान से? मेरे पास आया सीता जी। सीता जी जय हो सीता जी। मेरे पास राम जी है। पाल ने 2 दिन पहले एक गाना बनाया था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, अंगना सजाऊंगे। राम जी आ गए, राम आएंगे दर्शन करा लेते ने खोले हैं लक्ष्मण जी। राम लक्ष्मण कैसे पता लगे? हाँ, मैं भी कह रही हूँ मैं पता लगा। उधर बड़े होंगे फिर वो, एक मिनट लगा के अभी मैं देखता हूँ। राम जी की ना फोटो थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, डिफरेंट होगी। एक मिनट, कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होगा ये ना। देखो राम जी आशीर्वाद दे रहे हैं सबको, लक्ष्मण जी हैं और राम जी आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि वो बड़े हैं। तो साक्षात राम जी हमारे घर पधारे हैं, दर्शन कर लीजिए आप सब भी। बहुत ही सुंदर सीता मैया, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण बाबा। चलो भैया सब आशीर्वाद ले। सर भी आए हैं ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि सारे भगवान जी हमारे मंदिर में, देखो सब भगवान एक होते हैं। बहुत मतलब सोच समझ के गिफ्ट करते हैं। आपको जो बर्थडे लास्ट टाइम था हारमोनियम दिया था याद है? आप जब म्यूजिक सीख रहे थे तो हारमोनियम दिया था। और दिवाली भी देखो कितना प्यारा गिफ्ट। तो गाइस आतिशबाजी हो गई है, अब हम लगाते हैं दिए। तो गाइस दिए ना जले ऐसा हो ही नहीं सकता दिवाली वाले दिन। जलते हैं दिए जो लुटते हैं। तो गाइस हमारी रंगोली तो वही वाली है और दिए जो है हम लगा रहे हैं क्योंकि राम जी आएंगे तो जलाएंगे। चीकू आप खाना खा लो बेटे। चलो जी चीकू एक दिया रखना, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, ये उधर रखो। वेरी गुड। हैप्पी दिवाली।